हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अगेन डिस्कशन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इफ़ यू आर टारगेटिंग IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी, यू शुड रिमेंबर कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और आपके IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन के अंदर आपको याद हो तो आपके जो टोटल 100 मार्क्स का जो हमारा वेटेज है पेपर में, यहाँ से 50 मार्क्स का वेटेज तो सिर्फ MCQs का ही होता है। बाकी जो बचे हैं 50 मार्क्स, इनमें से देखने को मिलता है 30 मार्क्स का एक अलग है एंड 20 मार्क्स आर सेपरेट। 30 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे NET क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, 20 मार्क्स ऑफ MSQs। सो फिलहाल हम कर रहे हैं इस 50 मार्क की तरफ मेहनत। फिलहाल हम टारगेट कर रहे हैं 50 मार्क्स ऑन दैट MCQs क्वेश्चंस। ओके, चलिए। सो कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस बार डाले गए थे, लेट्स हैव अ क्विक लुक। स्टूडेंट्स, अगर आप MCQs की इनफ एंड सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है हर टाइप के क्वेश्चंस की। जब आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तब जाके ही होगा कि एग्जाम में लेंथी क्वेश्चंस भी आपको ईजी लगने लगेंगे। आप लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाओगे, क्वेश्चन पूछने के जो लैंग्वेज होते हैं आप उन लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाओगे। आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसको किस टॉपिक से है, कौन सा फॉर्मूला, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आर्किया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे, चारों पॉइंट को यहाँ से समझते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, आर्किया के बारे में पूछा गया है। पूछा गया कि आर्किया क्या होता है। अब फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है आर्किया इज अ क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव टू न्यूक्लियाई। ऐसा कहीं होता है कि दो न्यूक्लियस कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं? तो आर्किया ऐसे तो कोई मैजिकल ऑर्गेनिज्म है नहीं। आर्किया इज अ क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिज्म दैट यूज फैगोसाइटोसिस। भाई फैगोसाइटोसिस तो हम भी परफॉर्म करते हैं, हमारे पास का मैक्रोफाज परफॉर्म करता है, अमीबा परफॉर्म करता है फेगोसाइटोसिस। सो आर्किया ऐसा कुछ अलग क्लासिफिकेशन नहीं है कि जो ऑर्गेनिजम्स फेगोसाइटोसिस करेंगे उनको हमने आर्किया में रख दिया, ये बात तो हमारी गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन, आर्किया इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट आइडेंटिफाइज प्रोकैरियोट्स दैट डू नॉट हैव पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। ये कुछ हद तक सही है क्योंकि आर्किया के पास जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं होता है एक्चुअली, है ना। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब होता है म्यूरिन, इसको हम म्यूरिन सेल वॉल बोलते हैं, बट इनके पास जो सेल वॉल है उसको सूडो म्यूरिन बोला जाता है क्योंकि ये म्यूरिन के जैसा तो होता है बट इनके पास में कुछ अलग ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। लास्ट पॉइंट बोला जा रहा है आर्किया इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट आइडेंटिफाइड्स प्रोकैरियोट्स दैट हैव पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। नहीं, अगर हम बात करते हैं बच्चों पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल की, तो ये किसका यूनिक फीचर है? ये यूनिक फीचर है बच्चों बैक्टीरिया का। ठीक है, दिस पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल इट इज एक्चुअली अ यूनिक फीचर ऑफ द बैक्टीरिया। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टू न्यूक्लिया इनकरेक्ट है, फेगोसाइटोसिस वाले सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है क्योंकि 3 में क्या बोला गया है कि आर्किया मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे हमारे प्रोकैरियोट्स जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल नहीं पजेस करेंगे, दे विल नॉट हैव। दैट इज ट्रू बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स म्यूरिन सेल वॉल, बट आर्किया के पास म्यूरिन नहीं बल्कि यहाँ पे हमको सुडो म्यूरिन वाला फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। द सेल लिनिएज थियोरी वॉज प्रपोज बाय द साइंटिस्ट। बच्चों अगर हम बात करते हैं सेल थियोरी के बारे में, तो सेल थियोरी के बारे में हमको 3 साइंटिस्ट ने बताया था, है ना। एक तो है श्लाइडन है, श्वान है एंड वर्चौ। सो वर्चौ नाम तो मुझे मिल चुका है, सो ऑप्शन नंबर 1 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ये तो हमारे वो है जो जेनेटिक्स पे काम करते थे। ड्रोसोफिला के आई कलर के बारे में कुछ बताया था इन्होंने, है ना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अर्नस्ट हेकल, ये नाम भी हम लोग एवोल्यूशन इकोलॉजी उस तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, सो इनमें से बाकी सारे ऑप्शंस हमारे लिए बिल्कुल गलत है। सेल थियरी, सेल लिनियज की जो थियरी थी उसको वर्चौ ने दी थी। क्या बोला था, तो इन्होंने बोला था बच्चों दैट सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। इनका स्टेटमेंट क्या था, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
सेल्स क्या करते हैं बच्चों, तो सेल्स दे अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगला सवाल, मोस्टली वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने वाला इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है? पहला बोला गया है दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन 60S राइबोसोम्स विच लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। तो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स वाली बात तो मुझे यहाँ पे सही लग रही है। डिविजन बाय फिजन, नॉट ससेप्टेबल टू लाइसोजाइम, लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, मोस्टली ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, नॉट ससेप्टेबल टू लाइसोजाइम, कंटेन गोल्जी एंड लीनियर क्रोमोजोम, ओके। नेक्स्ट इज काइटिनस सेल वॉल ऑब्लिगेट एरोबिक। काइटिनस सेल वॉल तो नहीं होगा, काइटिन तो भाई एक फंजाय का फीचर है, तो इसको तो मैं इजीली एलिमिनेट कर सकती हूँ। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो क्योंकि आर्किया के पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, इसलिए इनको लाइसोजाइम का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बट इनके पास में लीनियर क्रोमोसोम तो नहीं होता, सो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। सो यस इंडीड दे आर नॉट ससेप्टेबल टू लाइसोजाइम बिकॉज लाइसोजाइम डिग्रेड्स द पेप्टिडोग्लाइकन, और क्योंकि आर्किया के पास पेप्टिडोग्लाइकन है ही नहीं, क्योंकि उनके पास में म्यूरिन है ही नहीं, उनके पास में तो सूडो म्यूरिन है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर टू हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, एब्सोल्युटली ट्रू। दे लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, सही बात है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, सही बात है, सो ऑल दी अदर पॉइंट्स दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। अगेन कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बच्चों अबाउट दी आर्की बैक्टीरिया, हमको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, नॉट ट्रू बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहला तो मुझे सही लग रहा है, हाँ पेप्टिडोग्लाइकन का थोड़ी होता ही है। सेल मेम्ब्रेन्स हैव ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, सेल वॉल हैव बोथ डी एंड एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, फर्स्ट अमाइनो एसिड टू इनिशिएट द चेन इज मिथियोनिन, ठीक है। तो ये बात की जा रही है बच्चों हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस की। अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट्स के पास में पहला अमाइनो एसिड इज फॉर्मल मिथियोनिन। आर्किया या जो पहला सॉरी ऑर्गेनिज्म ने पहला जो अमाइनो एसिड आता है ट्रांसलेशन में, दैट इज इन आवर केस इट इज मिथियोनिन, इन प्रोकैरियोट्स इट इज फॉर्मल मिथियोनिन। तो डिपेंड करता है किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उसके हिसाब से पहला अमाइनो एसिड डिसाइड होता है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों आर्किया की, तो आर्किया को हम बोलते हैं कि ये इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। इसके कुछ फीचर्स मैच करते हैं प्रोकैरियोट से, कुछ फीचर्स मैच करते हैं यूकैरियोट से, तो हमको दोनों के बीच का एक फीचर पकड़ के ढूंढना होता है। अब हमको पूछा गया था कि इनमें से नॉट ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोला गया है, सेल वॉल्स हैव बोथ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। बच्चों पहली बात तो याद रखना कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मेनली एल फॉर्म के ही एग्जिस्ट करते हैं, बट डी फॉर्म का एक अमाइनो एसिड है स्पेशल, दैट इज एलानिन। दिस डी एलानिन इज पार्ट ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन, जो हमारा नाग नाम जो डाइमर्स बनते हैं उसमें से नाम के ऊपर में पेंटामरिक, मतलब वहां पे 5 अमाइनो एसिड्स लाइन से अलाइन रहते हैं, और वो जो 5 अमाइनो एसिड्स अलाइन रहते हैं उनमें से एक होता है एलानिन, ठीक है। तो सेल वॉल्स इनके पास में डी फॉर्म भी होता है अमाइनो एसिड्स का, इनके पास में एल फॉर्म भी होता है अमाइनो एसिड्स का, बट आर्किया के पास क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है इसलिए उनके पास में बच्चों हमको ये डी फॉर्म वाला भी एलानिन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 हियर विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्रॉम फॉलोइंग गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स विच वन इज नॉट अ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो अलग से सिर्फ प्रोकैरियोट का नहीं है, सिर्फ प्रोकैरियोट का नहीं है। पहला क्या बोला है, दे यूजुअली हैव अ सिंगल डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। दे लैक मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, हाँ भाई इनके पास ये नहीं तो होता है। दे हैव सेल वॉल्स कंटेनिंग पेप्टिडोग्लाइकन एंड दे लैक अ सेल सॉरी दे लैक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो भाई इनमें से तो आई थिंक आप लोग बिल्कुल इजीली बता दोगे दैट दे लैक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ना। हमको यही बताना था कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, दे लैक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इनके पास में हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखने को ना मिले। इनका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है दिस इज हाईली एनर्जी प्रोड्यूसिंग। इसमें प्रेजेंट रहता है बच्चों प्लांट्स का सारा, सॉरी नॉट प्लांट्स का, बैक्टीरिया का जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो हमको इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। बैक्टीरिया का जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो हमको यहीं देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया का जो बच्चों एटीपी सिंथेज रहता है वो भी हमको यहीं नजर आता है। सो एटीपी सिंथेज ऑफ द बैक्टीरिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोट। सो ऑप्शन नंबर 4 हियर विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट्स, बाकी सारे बच्चों गलत है। ठीक है, सॉरी फोर्थ इज इनकरेक्ट, बाकी सारे सही स्टेटमेंट्स हैं। सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर। यू कैन सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन द एप्लीकेशन बच्चों। हमारा मुझे लगता है 94th या 95th डे है, तो बहुत सारे 450 के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोडेड ऑलरेडी है आप में। तो जाइए पुराने टेस्ट को, पुराने क्विज को भी सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो कितने सही आ रहे हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन हुई है। ओके, सो आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट पे ifasonline.com। वहां आपको IIT जाम में जाके बायोटेक्नोलॉजी वाला कोर्स सेलेक्ट करना है। वहां पे आपको लर्न फ्री मिलेगा। लर्न फ्री में बच्चों स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर आपको डेली जो भी 100 डे 1 डे 2 डे 3 ये सबको चैलेंजेस मिल रहे हैं। डेली के 5 क्वेश्चंस जो आप लोग ऐप स्क्रॉल करते हो जाके, से आपको 5 मिनट पे आपने स्क्रॉल किया तो भी आपको बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ से मिल रहे हैं, जिसको आप सॉल्व करके अपने जो चांसेस है टू गो टू IIT इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। आई होप द इन्फॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट्स put it in the comment box. Have a great day and very happy learning to all.